तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्ताव पर मुहर लगाई है और 11 नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के विस्तार पर सहमति बनी है। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर अयोध्या को भी विकसित करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है। आपको बता दें कि 13 प्रस्तावों में नगर पंचायतों के गठन व विस्तारीकरण के प्रस्ताव को पास किया गया है। वाराणसी नगर निगम की सीमा का विस्तार होगा और रामनगर नगर पालिका परिषद को इसमें सहमत किया गया है और मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को मंजूरी इस योजना के अंतर्गत दी गई है। आपको बता दें कि इसमें काफी मास्टर प्लान्स बनाने की बात भी कही गई है। और वहीं अगर बात कर लें कि और किन किन प्रस्तावों को इसमें पारित किया गया है, तो जनप्रतिनिधियों की सलाह ली जाएगी इसमें और रोड ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स, कम्युनिटी हॉल निर्माण, बाजार में जन सुविधाओं के कार्य के लिए चौराहों पर जन कार्य, ओपन पार्क आदि के लिए इस योजना के अंतर्गत कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही 7 नगर पालिका का विस्तार और 3 नगर पंचायतों का विस्तार, एक नई नगर पंचायत प्रतापगढ़ के डेरवा बाजार के गठन का भी प्रस्ताव इसमें पास हुआ है। कि जो भी पैसा जाएगा और जो भी करना होगा उसका सबसे पहले एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा, वहाँ की आवश्यकताओं को मैपिंग करते हुए वर्तमान योजनाओं के दृष्टिगत जो ग्राम विकास की योजनाएं चल रही थी उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे, उनको भी हम रद्द करने के बजाय उनको हम पूर्णता की ओर ले जाने का भी हमने प्रावधान रखा है। इस प्रकार मास्टर प्लान बनाते समय सारी परिस्थितियों का आकलन और स्टडी करते हुए एक मास्टर प्लान बनेगा, उसमें जनप्रतिनिधियों के भी सुझाव और परामर्श अवश्य रूप से लिए जाएंगे। जो वर्तमान योजनाएं हैं या आने वाली जो अन्य विभागों की योजनाएं हैं उनके साथ भी हम कन्वर्जेंस करेंगे और इस पूरी जो मास्टर प्लान बनेगी, पूरा जो आयोजन होगा या डीपीआर बनेगा उसको जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर निकायों के लिए और नगर निगमों में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी जो उसके सारे पासाओं को देख करके इस डीपीआर को मंजूर करेगी। इसमें जो प्रमुख रूप से जो जिस प्रकार के कामों को लिया और ये डीपीआर आने बनने के बाद जिला स्तर पे नगर निकाय पे हमारे निदेशक के पास आएगा और निदेशक जो है शासन की मंजूरी लेकर के उसको मंजूर करेंगे। इनमें जो प्रमुख रूप से जो काम लिए जा सकते हैं उसमें रोड और ड्रेनेज के काम, सड़क निर्माण और उसमें डक्ट बनाने का काम, टेलीफोन वगैरह के ले जाने के लिए उसके डक्ट बनाने का काम, स्ट्रीट लाइट का काम, बिजली के और भी जो अवस्थापना या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम है वो भी लिया जा सकेगा, कम्युनिटी हॉल लोगों के शादी विवाह ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों में जो उपयोग में आ सके ऐसे कम्युनिटी हॉल बनाने का काम लिया जा सकेगा, मार्केट प्लेस में जो बाजार है वहाँ कई बार भीड़ भाड़ के मद्देनजर कई जन सुविधाओं का अभाव होता है, उनको ठीक करने का, सुंदर करने का और सुव्यवस्थित करने का, जन सुविधाओं से युक्त करने का काम लिया जा सकेगा, चौराहों का काम लिया जा सकेगा। लेकिन इसमें हमने ये भी कहा है कि चौराहों का काम लेते समय सरकारी धन के अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी काम लेने का प्रयास किया जाए। उसी तरह से ओपन पार्क, ओपन स्पेस और पार्क गार्डन का विकास भी इस योजना के तहत किया जा सकेगा। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है और 11 नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के विस्तार पर सहमति बनी है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेन चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेन, जिस तरीके से बात की जाए, आज कैबिनेट की बैठक हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और यहां पर 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, एक बार पूरी अपडेट से लेकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक आहूत की गई है और सभी कैबिनेट मिनिस्टर इसमें शामिल रहे और अलग अलग प्रस्तावों पर मोहर लगी है और टोटल बात की जाए तो 13 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। और सबसे बड़ी बात इस कैबिनेट में बता दें कि काशी विश्वनाथ की तर्ज पर अयोध्या का भी उसी तरह जो है सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उसी तरह बनाने का कॉरिडोर है उसको बनाने का काम किया जाएगा। और साफ तौर पर दूसरे प्रस्ताव की बात की जाए तो नगर पंचायतों के गठन और विस्तारीकरण का प्रस्ताव भी पास किया गया है और कहीं कहीं वाराणसी नगर निगम की सीमा का विस्तार होगा और साथ ही रामनगर नगर पालिका के परिषद को उसे समाहित किया गया है। साथ ही सुहाजाबाद नगर पंचायत की बनारस नगर निगम में समाहित किए जाने का भी निर्णय लिया गया है और पूर्व में 743 नगर निकाय थे जिसमें पिछले कैबिनेट में 18 नई
नगर पंचायत का गठन हुआ था, 18 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार हुआ था और साथ ही 2 नगर पालिका जो परिषद है उसका विस्तारीकरण हुआ था। और साफ तौर पर इसके बाद बात की जाए तो आज फतेहपुर खागा फतेहपुर की, शाहजहांपुर की, निगोही सोनभद्र की नगर पंचायतों को विस्तारीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बुलंदशहर की अनूपशहर, गाजियाबाद की मोदी नगर, गाजियाबाद का मुरादाबाद, गाजियाबाद की लोनी, शामली के कैराना और मुजफ्फरनगर की कदौली सहित नगर पालिका परिषदों का विस्तारीकरण किया गया है। दूसरा, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को मंजूरी दे दी गई है। तीसरा, अयोध्या श्री राम मंदिर का जो मंदिर है उसको कहीं ना कहीं उसके निर्माण के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है और कहीं ना कहीं उसमें कनेक्टिंग मिल व्यवस्था और सुगम योजना के लिए अयोध्या जिले शारदा में नया घाट अयोध्या में 12.94 किलोमीटर की लंबी सड़क का चौड़ीकरण रखा गया है। ये लंबी सड़क होगी और 797.69 करोड़ की जो धनराशि है जो विकास को आगे बढ़ाएगी, अयोध्या को जो विकास इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए उसके लिए धनराशि को मंजूरी दी गई है। और साथ ही साथ इस कार्यकाल 2 साल का पूरा प्रस्ताव रखा गया है। तो कुल मिला के 13 प्रस्ताव ऐसे हैं जिस पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज मुहर लगाने का काम किया है। नितिन, वहीं अगर बात कर ले, जिस तरीके से देखा गया है कि आए दिन मुख्यमंत्री कोई ना कोई घोषणा करते हुए नजर आते हैं और उसी बीच अब ये कैबिनेट बैठक हुई है जिसमें उन्होंने 13 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो क्या समझा जाए, बीजेपी 2024 की तैयारी में है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये सरकार का एजेंडा है विकास कार्यों को कैसे करना है और उत्तर प्रदेश सरकार क्या काम कर रही है। कैबिनेट बैठक तो हुई ही और कहीं ना कहीं सरकार कैबिनेट बैठक समय समय पर करती रहती है जिससे उत्तर प्रदेश में जो विकास है वो तेजी से किया जा सके। ये तो एक उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि के तौर पर भी किया जाता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में जिस तरह से निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार तेजी से कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि 2024 की पूरी तरह से रणनीति तैयार हो रही है और तेजी से विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। तो 2024 का चुनाव नजदीक है और ज्यादा समय नहीं कहा जा सकता कि 2 साल का समय ज्यादा दूर है, क्योंकि चुनावी साल होता है और चुनावी साल जल्द ही आता है, तो जाहिर सी बात है 2 साल का समय सभी पार्टियों के लिए जाहिर सी बात है कि कम होता है। तो उससे निपटाने के लिए सरकार 2024 का चुनाव जीतने के लिए पुरजोर कोशिश करेगी कि आबादी के स्तर से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और विकास कार्य भी ज्यादा है, आबादी के स्तर से भी ज्यादा है, काम भी ज्यादा है, तो 24 की भी रणनीति ऐसी भी तैयार हो जाती है। नितिन, वहीं अगर बात की जाए, अगर एक प्रस्ताव की मैं बात करूं तो यहां पर मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को भी मंजूरी मिली है, तो इसमें मास्टर प्लान्स बनाने की बात की गई है, तो क्या क्या मास्टर प्लान्स इसमें बन सकते हैं? देखिए, कई मास्टर प्लान है जिसमें बात की जाए तो मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत इसमें जो है नगर विकास का मास्टर प्लान बनाने की जनप्रतिनिधियों की सलाह दी जाएगी। इस तरह से मास्टर रोड, ट्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, कम्युनिटी हॉल, बाजार, जन सुविधाओं, कार्य हेतु चौराहे पर जन कार सौदीकरण, तो ऐसे काम है जिसका मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, किस तरह से इसका रोड मैप तैयार किया जाए, किस तरह से सौदीकरण किया जाए, ड्रेनेज सिस्टम को कैसे उस पर लागू किया जाए और साथ ही साथ ताकि अगर किसी के वहां पर वैवाहिक कार्यक्रम है या तो चलिए जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।